नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार टैक्स प्लानिंग वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है कैपिटल गेन टैक्स प्लानिंग पे, रिड्यूस कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टैक्स हार्वेस्टिंग, सेटिंग अप एंड कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म लॉसेस एंड लॉन्ग टर्म लॉसेस एंड यूजिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54EC एंड 54F फ्रॉम कैपिटल गेन टू रिड्यूस योर कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर। ईयर क्लोज होने वाला है 31 मार्च, बिल्कुल एक वीक बचे हुए हैं आपके पास। कहते हैं टैक्स में कि टैक्स इज द अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस, हाउएवर इन टैक्स प्रोविजन देयर आर सर्टेन प्रोविजन, यूजिंग दैट प्रोविजन यू मे रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी टू द मिनिमम। इसी ने कहा है ए पेनी सेव्ड इन इज ए पेनी अर्न। आप एक रुपया भी बचाते हैं तो ये कहते हैं एक रुपया आपने अर्न किया। तो आइए इस वीडियो हम लोग सीखते हैं सबसे पहले कि टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है। देखिए टैक्स टैक्स पेयर जो असेसी होता है, जो लॉन्ग टर्म गेन अगर इसके इक्विटी शेयर से है होता है तो टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख उसके एग्जम्प्ट होते हैं। तो ये अभी समय है आपका कि आप अगर 1 लाख तक जो गेन है आपको लॉन्ग टर्म गेन फ्रॉम द इक्विटी शेयर, तो वो आप अर्न करके री इन्वेस्ट कर दे फिर से। इससे क्या होगा कि 1 लाख तक आपको एग्जम्पशन दिया गया है और 1 लाख तक अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो उस पर आपको आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी और उस अमाउंट को जस्ट री इन्वेस्ट कर दे। कहते हैं वैल्यू एट विच इक्विटी आर री इन्वेस्टेड इज द न्यू कॉस्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन, और जिस प्राइस पे आप री इन्वेस्ट करेंगे वो आपका न्यू कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है हर साल ऑफ द ईयर इन एंड आफ्टर, मतलब कहते हैं कि लॉन्ग टर्म गेन जो है फ्रॉम द इक्विटी शेयर अगर होल्ड करते हैं 1 ईयर और मोर, देन दिस इज रियली कंसीडर एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड अप टू 1 लाख इज एग्जम्प्ट इन योर हैंड। देयरफॉर you repeat this process every year to take advantage of the 1 lakh exemption in case of the long term capital gain. This process se aap har saal up to 10,000, kyunki 10% rate hai aapka, to 10,000 every year aap isse is process se aap save kar sakte hain. This exemption is available on the aggregate long term capital gain from equity oriented mutual fund and stocks. तो ये मेथड आप अपना सकते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग मेथड। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि टैक्स हार्वेस्टिंग इज अ गुड टेक्निक टू सेव टैक्सेस, बट इन्वेस्टर का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल क्लियर हो कि वो जो मनी जो है तुरंत ही इमिजिएटली री इन्वेस्ट कर दे, इमिजिएटली इन्वेस्ट कर दे आफ्टर गेन्स आर बुक्ड। देखिए थोड़ा सा भी लेट होगा तो इक्विटी मार्केट और ये काफी फ्लक्चुएटिंग मार्केट है, तो अगर फ्लक्चुएशन के कारण ऊपर जाएगा प्राइसेस तो आपको स्टॉक कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा आपको सेम इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो प्राइस फ्लक्चुएशन फिर स्मॉल चार्जेस अप्रोक्स 1% दैट इज सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन से स्टाम्प ड्यूटी एंड ब्रोकरेज इस फॉर्म में आपको इसकी कॉस्ट आएगी, टैक्स हार्वेस्टिंग की कॉस्ट आएगी। तो ये एक पहला मेथड था टैक्स हार्वेस्टिंग, थ्रू दिस मेथड यू मे सेव 10,000 ऑफ द टैक्सेस। आइए हम लोग देखते हैं सेटिंग अप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। इसमें सबसे पहले हम लोग रूल देखते हैं क्या कहता है सेटिंग अप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस आर एलिजिबल टू बी सेट अप अगेंस्ट बोथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल अगर लॉस होता है तो आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म गेन से भी, और शॉर्ट टर्म गेन है उससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट लॉन्ग टर्म जो कैपिटल लॉसेस है वो ओनली सेट ऑफ होगा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही। शॉर्ट टर्म दोनों से आप सेट ऑफ कर सकते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म जो है ओनली अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेट ऑफ द कैपिटल लॉसेस ऑफ द वन एसेट लाइक इक्विटी अगेंस्ट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द एसेट लाइक लैंड। मान लीजिए आपको इक्विटी शेयर्स को आप सेल करने से अगर लॉसेस हुआ है तो, और लैंड से आपको अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको आप सेटअप कर सकते हैं। इसी के अगेंस्ट अगर लैंड सेल करने से आपको अगर लॉसेस हुए और इक्विटी से प्रॉफिट हुआ है लॉन्ग टर्म से, तो आप उसको सेटअप कर सकते हैं।
कहने का मतलब हो गया कि दोनों सेम हेड में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इन केस यू हैव ए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बाय सेलिंग लैंड, यू कैन सेट ऑफ द सेम विद द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द इक्विटी इन्वेस्टमेंट. बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस कैरी फॉरवर्ड ओवर नेक्स्ट एट ईयर. अगर मान लीजिए आपको सेट ऑफ नहीं होता है तो एट ईयर से आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे. दिस मीन्स यू कैन सेट ऑफ करेंट ईयर लॉसेस अगेंस्ट फ्यूचर ईयर गेन्स. यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका अगर लॉस रिटर्न है तो आप ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न जो है सेक्शन 139 उस ड्यू डेट तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस. ये कंडीशन है आपका. तो ये हमने दूसरा मीटर सीखा. अब आइए हम लोग देखते हैं यूजिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54EC और 54F फ्रॉम कैपिटल गेन्स. इफ यू वांट टू बुक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म गेन फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट, आपके पास ऑप्शन है उसको आपको 54EC बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर दें. इसको कहते हैं कैपिटल गेन बॉन्ड्स भी. ध्यान ये देने वाली ये चीज है कि ये जो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं इसकी लॉक इन पीरियड 5 years की होती है और करेंट रिटर्न जो अभी है, अभी जो चल रहा है वो 5% चल रहा है, क्योंकि सारे इन्वेस्टमेंट पे इंस्ट्रूमेंट पे रेट ऑफ द रिटर्न रिड्यूस हो गए हैं. तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है. दूसरी, वन कैन इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी टू सेव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटीज. अगर इक्विटीज से आपका गेन हुआ है तो आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग कर सकते हैं आप प्रॉपर्टी में. सेक्शन 54 है, एफ है. सेक्शन 54F कहता है कि एग्जेम्पशन दिया जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउसेस. अदर देन रेसिडेंशियल, अगर रेसिडेंशियल हाउसेस है तो रेसिडेंशियल 54 में ले लीजिए आप. अदर देन रेसिडेंशियल हाउस कोई भी कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर परचेजिंग और कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी मस्ट बी बॉट विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर और 1 year बिफोर द ट्रांसफर. 2 साल बाद तक, जब से आपने ट्रांसफर किया उसको 2 साल के अंदर आप परचेज कर लीजिए, या फिर 1 साल पहले भी परचेज किए हैं तो कंसीडर एज फॉर द कैपिटल गेन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F. और कंस्ट्रक्शन के केस में ये आपकी जो कंस्ट्रक्शन हो न्यू हाउस का वो विद इन द 3 years ऑफ द ट्रांसफर हो जाएगा. तो अभी हम लोगों ने देखा कि हाउ टू रिड्यूस कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर. यू शुड प्लान कैपिटल प्लान टैक्स प्लान अंडर बाय टैक्स हार्वेस्टिंग सेटिंग ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस यूजिंग सेक्शन 54EC बॉन्ड इन्वेस्टमेंट और 54F रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. एंड बाय यूजिंग दिस प्रोविजन यू मे रिड्यूस कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर. अभी आपके पास समय है तो आप बहुत से, जैसे कि 54F का अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर 31 मार्च तक अगर आपने नहीं इन्वेस्ट किया तो कोई बात नहीं, उसके बाद आप नेक्स्ट रिटर्न फाइलिंग तक आप भी अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो आपको कैपिटल गेन स्कीम होता है कैपिटल गेन अकाउंट. तो कैपिटल गेन अकाउंट में आपको डिपॉजिट कर देना पड़ता है उस पैसे को, सो डेट आप फ्यूचर जो फर्दर जो पीरियड जो आपका दिया हुआ है 3 years 2 years, तो यहाँ तक आप उस पैसे को फिर यूज कर सकते हैं. तो ये हमारा लास्ट मोमेंट टिप्स था फॉर रिड्यूसिंग द कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर. इसके रिगार्डिंग आपको किसी तरह का कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर 9122050937 पे आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर 6 PM to 7 PM आप कॉल कर सकते हैं जो गिवन नंबर है उस पर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.